देखो नए नए शूज है, इसको कोई बोलेगा मेरे है, बच्चों के, मेरे अंदर वाले तो ड्रॉर में अलग ही भरे हुए, ये देखो ते भरे हुए बाहर तक आके गिरने लगे। तो मैंने आज अमर को बोला सबसे पहले तो इसी को साफ करना है, और इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर निकाल के फेंकनी। मैं पहनती नहीं हूँ अभी चप्पलें बहुत सारी, क्योंकि मेरे मैचिंग मैचिंग के चप्पल रहते हैं, बच्चों के बहुत सारे शूज रहते हैं, सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई है घर में भी। दो मेरे दो ड्रॉर, बच्चों के दो ड्रॉर अंदर भरे हुए, और ये यहाँ का पूरा ड्रॉर अभी देखो अमर ने पूरा साफ किया है, निकाला है बाहर, बस अभी वो ये निकाल ही रहे। आज सुबह सुबह यही सब चालू है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह देखा ना आपने, ये काम चालू है। ये देखो यहाँ पे ये मेरा बाजू का रूम है, ये मेरा रूम है, ये बाजू में मैं बैठी हुई, ये मेरी आई का रूम है, जो मैं जिनको आई बोलती हूँ वो महाराष्ट्रीन है। और मेरे बच्चे जब एकदम छोटे से छोटे थे तब से आई के यहाँ से खेलना कूदना, आई बाबा जब काम से आते थे बाबा अपने गोद इसी यहाँ कंधे पे बिठा के हम इनको लिफ्ट के पास से लेकर आते थे, अपने साथ ही खाना खिलाते थे। ये मेरे इतने सालों से मैं यहाँ रहती हूँ और इतने सालों से मेरा इनके साथ रिश्ता है, पर यह है कि मैं कभी नहीं बैठती हूँ किसी की दहलीज पे, पर आज यहाँ सब सफाई चालू है और मुझे निकालना है कि कौन से शूज़ रखने हैं, कौन सी चीज़ फेंकनी है, तो मैं दिखाऊँ तभी अमर सब चीज़ें निकाल सकता है। तो इसलिए मैं आज बैठी हूँ यहाँ। भाई कुछ काम नहीं लगा है, छोड़ उसको मत आवाज रहने दे, बाद में देखते हैं अमर। हाँ रुक मैं दिखाती हूँ तेरे को, तो पहले शूज़ अलग कर इंशाल्लाह। चलिए फिर यहाँ पे शूज भी अलग हो रहे हैं, मैंने लेकर बैठी हूँ अपने पानी। इतने शूज फेंक दिए, सब चीजें निकाल दिए, और अभी मेरा ड्रॉर कितना अच्छा लग रहा बताती हूँ आपको। देखो जितनी जरूरत की चीजें उतनी रखी हूँ, अभी अंदर का भी आज ड्रॉर सोच रही निकाल रहा हूँ। अंदर तो इतने चप्पल है, इतने चप्पल, परेशान हो गया अमर सब रख रख के। हूँ चम्मच लेके आ बेटा ये खाने के लिए, मेरे बच्चे और बेटी कब से मुझे। हाँ बोल ना, अब बोल, देख उसके नाटक देख ना, देखो नीला आज गर्म पानी नीला 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 वो क्या है पिल्लू, अजय तो तेरे पास बैठी हुई दिखा तो जरा, इसकी तो जगह फिक्स हो गई वो भाई के बाजू में। आइए चाय नाश्ता करने के लिए। कौन सा साबुन? हाँ तो मेरे को सब बता दे क्या क्या लाना है, तो मैं जाऊंगी तो बजा। हाँ एक लिस्ट बना ले क्यों। हाँ बता दे पहले मेरे को सब किचन में से लेके। आज हमारे घर में बनने वाली है भिंडी की सब्जी, रोटी, और कल मटन का जो ग्रेवी बनाई थी तो अमीन अली भाई को ना एक दिन बाद वाला खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो सालन बोलते है देना मत मम्मी किसी को, मैं खाऊंगा दोपहर में, तो उसके लिए तो सालन रखा है। गरम राइस बनेंगे, और मेरे दो शेर दिख रहे आजू बाजू, दिख रहे क्या? हाँ दिख ही रहे होंगे, दो शेर है मेरे, दो शेरनिया शेरनिया, तो दोनों शेरनिया बैठी है। जीरादा इनको गर्म पानी करके नहलाऊं, तो मैंने बोला अमर का उधर काम चालू है तब तक मैं सब्जी की सब तैयारी शुरू कर लूं, और वो जैसे किचन से हटे तो मैं घुसूं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताई थी कि बच्चे बोलते सारा काम करा लो लेकिन खाना आप ही बनाओ। तो अमीन भाई को मैंने बोला आप रोटी सब्जी खाओगे, खा लूंगा ऐसे उसने जवाब दिया है मुझे। ये देखो ना मम्मी के बॉडीगार्ड्स। हाँ और क्या मुझे किसी की जरूरत है ना, गार्ड्स की जरूरत है नहीं है ना, दो शेरनिया बैठिया जो पंजा मार के खून के साथ मांस निकाल लेगी बाहर, लेकिन ऐसे बोल रही हूँ मेरी बच्चिया बहुत सीधी है, बहुत ज्यादा सीधी है। तो अभी फिलहाल तो घर के कामों में लगी हुई हूँ, और उसके बाद देखते जैसा भी रहेगा वैसा शूट करूंगी। बाय चिंटू, चिनू बाय करो। गरम पानी का बात, ओ मेरा बेबी को गरम पानी का बात। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बिल्कुल नहाने को लेके, देखो तो देखो तो नहाना जरूरी है। अरे अमर को बुलाते ना थोड़ा हेल्प कर। हाँ अब उसको अच्छा लगेगा, अब अच्छा लगा। अरे बाप दीदी मैंने कभी चुपचाप से खड़ी हो गई, डांटी के बिना समझ में नहीं आती बात ना। हमारा भी ऐसी था बचपन में। हाँ, तो प्यार से कर रहे तो जरा सीखते रहे, तो इधर तरफ उधर तरफ नाखून हिलो, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए तू। हाँ टेम्पो करने तुम तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए तू। इससे तो मुझे खुद डर लगता है ना, मत
ये बहुत खतरनाक बिल्लू है मेरी, है ना अम्मो? देख अम्मो बोलती, देख अम्मो नहीं है ये, ये चिन्नू है, चिन्नू सुकून से नहा रही है। मिला देती बाबा पहले इसको चुपचाप से। क्या है लोगों की मस्ती चल रही है, नहलाने के बाद इन लोग को पहुंचे सब तैयार करें, तो अभी आके बस सूख गए तो आके मेरे पास बैठ गए। मेरा भी नहाना धोना सारा चीज़ें हो गई, सब्जी वगैरह कट गई। अमर को बोली सिर्फ तू रोटी बना दे, मैं आने के बाद गरम चावल और सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि अब देखा तो मैंने टमाटो वगैरह कम है, और अब अमर ने भी काफ़ी बड़ी लिस्ट बना के दी, वो लिस्ट के लिए तो बाद में जाऊँगी, पहले अभी तो सब सब्जी पाला जो है, और थोड़ा सा फिश देखने जा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना है फिश। और वहीं पे मेरी एक दो फ्रेंड लोग रहती है, जो मैं उन लोगों के साथ बैठती हूँ, बाज़ार गई तो कभी उन लोगों के साथ बैठती हूँ, तो उन लोगों के लिए मैंने बहुत मतलब कुछ बनाई थी स्पेशल घर में, तो मैंने वो ली हूँ, ये देखिए ये ली हूँ, तो वहाँ उनके साथ मैं चाय पीऊँगी, वो उनको खिलाऊँगी। ये देखो मेरी बेटी नहा धो के एकदम चमकीली चमकीली लग रहे दोनों के दोनों, एकदम खुशबूदार। तो अभी फिलहाल तो जा रही हूँ बाज़ार, बाज़ार से आने के बाद बनाऊँगी सब्जी और उसके साथ बनाऊँगी गरम वाले राइस। लाजमी है ना चाय पूछना, खाना पूछना, तो लो चाय पियोगे। आई थी बाज़ार, बहुत सारा बाज़ार लिया, मेरा एक्टिवा, ये मेरी बाज़ार के सारे लोग, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और मैं आलू बेचने बैठी हूँ, तो लोग मुझे आके भाव पूछ के जा रहे हो, फिर पूछते आप सायरा सत्तानी हो ना टिकटॉक वाले, बोले हाँ, बोले आलू का धंधा चालू करे, बोले हाँ भाई आलू का धंधा चालू कर दियो प्लीज। तो क्या भाव 25 रुपए किलो ना बेचू रहा? हाँ भाई 25 रुपए किलो। ये देखो ये हमारा बच्चा चाय ला के पिलाए, ये मेरी बहन है, ये हमेशा छट्टी भरती है, छट्टी ख्वाजा वाली है। तो आ जाओ हमारे साथ चाय पीने के लिए, और आलू खरीदना है तो किसी को ऑनलाइन भी बोल देना, मैं भेज देती हूँ। चलो ये हमारे सेव पूरी वाले भाई, देखो मेरे को दे, मैं ऐसी वाली खाती हूँ, सूखी सादी सी। और ये मेरा मैसेंजर भी है ना, क्या बोलते खाला, क्या पूछते खाला आके? खाला तो पूछते मेरी बेटी कैसी है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, पता है एक खाला है जो नमाजी है, कभी आते नहीं, मुझे अचानक में मिल गए थे। ये मैसेंजर है, कुछ देना लेना ना, ये हमारा मैसेंजर है, जितना सवाब मुझे मिलेगा ना उतना सवाब इसको भी मिलेगा, क्योंकि मैं इसके हाथ में देती थी ये वहाँ पहुँचाता है ना भाई। ऐसे होना चाहिए, खिदमत ऐसी होनी चाहिए। अभी मुझे आके वहाँ से आया, और मेरे लिए मैं तीन ही पूड़ी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तीन पूड़ी बनाकर लाया, और बताने लगा खाला रोज पूछती है। ये सबसे अच्छा काम किया कि वहाँ से आने के बाद खाला के लिए मुझे बोला, ये सबसे अच्छी बात है ना। तो अल्लाह की रहमत, देखो बारिश, देखो बूंदे, क्या बड़ी बड़ी बूंदे हो रही है, देखो ओहो क्या मस्त बारिश आ रही है। मच्छी लेने तो नहीं गई, मेरी मच्छी लेने अब शाम को जाऊंगी, टाइम हो गया, और पुराने लोग मिलते हैं ना तो बातें ख़त्म ही नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा तो सुख दुख की बातें होती है, और बातें करते करते 100% आँख से आंसू आ ही जाते, तो अच्छा लगा। जब आंसू निकल जाते तो दर्द भी बाहर निकल जाता है उसके साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं फिर गई नहीं फिश लेने, वो भी बोली मुझे कि अभी फिश लेने जब फिश भेंट को फिश मिलेगी नहीं, मैंने कोई बात नहीं शाम को जाऊंगी। और जैसी घर आई बारिश चालू हुई, यहाँ पे बारिश दिख नहीं रही होगी आपको, देखती हूँ कोशिश करती दिखाने की, देखो दिखी, और इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है ना, बापरे इतनी बड़ी बड़ी बूंदे, देखो दिख रही होगी, हाँ दिख रही है, ये देखो ज़मीन पे देखो पानी, और मैं तो भीग रही हूँ माशाल्लाह, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, वाह वाह वाह। औरतों को फुर्सत होती है कभी, कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी घर हाउस वाइफ हो या कितनी भी बड़ी बिजनेसमैन हो, कभी फुर्सत नहीं हो सकती। आई वहाँ से बारिश, हाँ अच्छा हुआ मैंने अपना बारिश में भीग के अपना शौक पूरा कर ली। और आपको बताऊँ कल के ब्लॉग में मैंने देखो आपसे बात करी थी कि कैसा दर्द मौसम है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और देखो आज के मौसम में इतनी चेंजेस हो गई, एक पल में अल्लाह पाक दुनिया को उलट भी सकते हैं और पलट भी सकते हैं, इसीलिए मैं अपने हर फैसला मेरे अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि अमर को सुबह बनाने रोटी बनाने बोल कर गई थी मैं, तो उसने रोटी बनाकर गया, अब मैं बना रही हूँ चावल, और यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि मैं भिंडी हमेशा सूखी बनाती हूँ, आज थोड़ी मसालेदार भिंडी बनाने वाली हूँ, रेसिपी कुछ नहीं डालने वाली हूँ, ऐसी घर के लिए बना रही हूँ। तो बनाने के बाद इंशाल्लाह जब खाने बैठेंगे तो इसकी शक्ल दिखाऊंगी आपको, अभी कच्ची वाली देख लीजिए। टेबल भी लग चुका है, खाना भी निकल चुका है बच्चों का, मेरी प्लेट अमीन भाई की प्लेट है, और ये अली की, अली का और मेरा तो सेम खाना रहता है, क्या मस्त। मैंने देखो ना
आज तो मैंने छिलके वाले आलू डाली हो, ये मेरे लिए गाजर डाली हो मटन के साथ, और ये छिलके वाले आलू क्या गल गए देखो तो, चूर के खाने में कितना मजा आएगा ना। और सैलेड है इसके साथ में, चावल है, रोटी है, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। खाना भी हो गया, सारी चीजें भी सब उठा के किचन वगैरह क्लीन कर ली, अब थोड़ा सा आराम करने का टाइम है। मौसम इतना ज्यादा रोमांटिक और इतना ज्यादा कूल हो गया, कल था डल और आज हो गया कूल और एकदम रोमांटिक। लेकिन खाना खाने के बाद मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने अमीन को बोला तो जिम से आते आते डार्क चॉकलेट वाला केक लेकर आ रहा, मेरा बहुत मन कर रहा है। और अभी तो फिलहाल चॉकलेट खा रही हूँ, शेप देखो इसका, देखा आपने, इसको मैं खा रही हूँ। खाओगे हार्ड वाली कैडबरी चॉकलेट, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। ये देखिए मैं सोई थी, ये देखिए रात में भी ऐसे मेरे बाजू आके सो जाती है, और यहाँ पे चिंटू भी आ जाती है जैसे ही मैं उठी। देखिए इसकी आँख खुल गई, चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि एकदम नींद में है, लेकिन बस मेरे पास ही सोती है दिन हो या रात हो। चलो माशाल्लाह अजान की आवाज़ भी आई गई मुझे, चलो उठते फ्रेश होते हैं, मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा लेट ही, तो आधा घंटा नींद लग गई थी मुझे, ये भी उठ गया, अभी उठ जाएगी, यहाँ से उठूँगी बिस्तर से तो उठ ही जाएगी। नमाज के पहले चाय रख दी थी मैंने, बहुत गाढ़ी सी मेरी चाय बन गई है चाय, और अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं, कहाँ बैठूँ वही सोच रही हूँ। मौसम तो इतना अच्छा हो चुका है, इतना अच्छा लग रहा है मौसम, सोच रही यहाँ बैठूँ। ये मेरा फिक्स है विंडो, शाम के टाइम कभी चाय पीना मूड होता है विंडो के पास बैठ के, तो वहाँ बैठ जाती हूँ हॉल में, या तो फिर ये देखो मेरे बच्चों अभी भी आके सो गए, देखो अभी भी सो गए, देखे। तो चलो फिर यहाँ पे आज बेडरूम के विंडो पे बैठती हूँ, क्योंकि बारिश की जो बूंदे की आवाज़ शायद आपको थोड़ी आ रही होगी, सुनाओ भाई मेरी आवाज़ बंद करके। पता नहीं आ रही होगी या नहीं आई आपको, मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश तो की कि आवाज़ आपको सुनाओ बारिश की। और मौसम इतना अच्छा हो गया, ये देखिए इतना प्यारा मौसम हो गया है, बारिश इतनी अच्छी बूंदे गिर रही है, और मुझे जाना है दो तीन काम से, बहुत जाना है, मतलब घर का ही काम है। सुबह तो अमर ने भी काफ़ी लंबी लिस्ट दी है, पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा बूंदे मोटी मोटी गिर रही, तो 100% भीगना ही है उसके अंदर, तो पता नहीं गाड़ी लेकर जाऊँ तो फिर मार्केट तक अंदर तक जाने नहीं मिलेगा, रोड पर खड़ा कर कर फिर जाना पड़ेगा। तो अभी अमीन आ जाए तो फिर देखती हूँ कैसे क्या करना है, कैसे कर मतलब जाना है या नहीं जाना है, ऐसे जाना तो ज़रूरी है, जाऊंगी मैं, देखते फिर एक काम लेकर जाऊँ या दो काम लेकर जाऊँ। और चाय बहुत अच्छी बनी है, आइए चाय पीने के लिए। और उसी के साथ साथ मैंने जो खीर पूरी बनाई थी, तो पूरियाँ एक्स्ट्रा बनाई थी ये नमकीन वाली, तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे चाय के साथ, तो मैं एक आध दो चाय के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा इंस्टाग्राम पर जब भी पोस्ट करी हो तो बताई हो कि खाली चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, खाली चाय जब आप पीते हो तो आपको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, चाय के साथ थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए देखिए कपड़े कैसे हिल रहे, इतनी अच्छी हवा आ रही है, ओहो हो बहुत ठंडक लग रही है, बहुत ठंडक लग रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह। बारिश थोड़ी हल्की हल्की हो गई है कम, तो चलो मैं निकलती हूँ बाहर, थोड़ा काम कर कर आती हूँ, बच्चे तो अब तक आए नहीं है। और ये देखो दोनों मेरी बेटियाँ आराम फरमा रहे, और वहाँ पे मैंने सब सामान निकाले थे जो मुझे लॉन्ड्री में जाना था, ड्राई क्लीन में जाना था, और साड़ी को रोल प्रेस करने देना था, सारी चीज़ें वैसी ही है, लेकिन अब क्या करूँ, जा थोड़ा थोड़ा सा लाइट रख देती क्योंकि मगरिब का टाइम के बाद का टाइम है, तो अंधेरा नहीं करना चाहिए घर में ज़्यादा, तो बस किचन में भी थोड़ा हल्का वाला लाइट रख कर जाऊँगी, मैंने काम पटा कर आती क्योंकि बच्चे भी नहीं आए तो क्या करूँ घर में बैठे बैठे, मुझे थोड़ा काम ही कर कर आ जाऊँ। बस निकल रही हूँ, और माशाल्लाह क्या घर महक रहा है, खुशबू से, ये देखिए ये मेरी ना एक लोबान और एक दूसरी जो दो खुशबू वाली अगरबत्ती होती है ना वो होती है, तो सब शाम के टाइम आप ये लगा दोगे तो अलग ही लगता है घर के अंदर, अब कोई है नहीं इसीलिए सारी लाइटें थोड़ी सी कम कर कर जा रही हूँ। तो आती हूँ फटाफट जाकर, क्योंकि बच्चे भी नहीं है ना तो दिल भी नहीं लग रहा, और काम भी मेरा बाकी है, तो सोच रही हूँ काम कर कर ही आ जाओ ना, घर में बैठे बैठे क्या करूँ। बारिश सबसे बड़ी बात तो बारिश हो गई है कम, चलो निकलते फिर आती हूँ इंशाल्लाह, आके फिर देखते जैसा भी रहेगा अमीन अली जब तक आ ही जाएंगे। माशाल्लाह बारिश तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, और काम भी मेरा यहाँ से हो गया जो काम के लिए आई थी, तो मैं लेकर आई थी स्कूटी,
बस अब जा रही हूँ, और अब जाते आते अभी फ़ोन किया मैंने अमीन को कि क्या खाएगा, क्योंकि डाइट करता है ना, तो बोले मैं बोली तंदूरी चिकन खाएगा, तो बोला हाँ, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब ऑन द वे से वो तंदूरी चिकन उठाऊँगी, उसके बाद मुझे मोगो मोगो लेना है, क्योंकि हो गए मोगो मोगो ख़त्म और मेरे को उसके बिना बिल्कुल नहीं चलता है। तो वो सब लेके पहुँचती हूँ घर, फिर बाद में घर पहुँचने के बाद सब चीज़ें अरेंज करके फिर बैठूँगी बिग बॉस देखने के लिए। रास्ते से ले लिया मैंने तंदूरी चिकन, पर्स यहीं पे लटक रहा है और तंदूरी चिकन बाहर एक्टिवा पे लटक रही है। इसको फ़ोन की तो ये आया गेट पे, तो ये देखिए ये सब सामान पूरा डाइट वाला काफ़ी सारा सामान दिखाई हूँ, ये तीन थैली, तो ये आएगा अभी पार्सल घर पे। और ये देखो भाई साहब हमारे क्या खा रहे, मेरे को भी दिया इसने हाथ में, क्या मीनिए मखाने, चीज़ मखाने, चीज़ नहीं ये फ्लेवर वाला है, चीज़ नहीं है, तो नहीं खाता ना चीज़, डाइट देखो डाइट बोलता, चीज वाला खा के डाइट बोलता, देखो हाँ डाइट चीज। और सादे मखाने भी लिखवाया कि वो आप घी वाले घर पे बना के देना, तो बस यहाँ से हो गए फ्री। चलो अब चलते हैं घर, डालो उसके अंदर थोड़ा सा, चलिए आधा नींबू बस हो गया ना। बताई थी ना आपको कि उसको तंदूरी चिकन खाना है तो ऑर्डर करने बोला, तो ये उसके सिके हुए तंदूरी चिकन, और मैं और अली है ना हाफ सिके में लाते हैं, उसको फ्राई करते हैं और तब को हम लोग मजे लेके खाते हैं, उसके चाट मसाला अजमेर में आए। हाँ यहाँ भी अपन परसों खाए थे ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप कभी खाना, कभी तंदूरी चिकन को हाफ करा कर लाना, उसको सिका के और फिर घर में उसको डीप फ्राई करना, उसके ऊपर ना चाट मसाला और नींबू छिड़क के सैलड के साथ, एक नंबर। तो माशाल्लाह अभी क्या, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, आज सारे दिन मैं जहाँ भी गई, जैसे भी रही, जैसे भी मेरी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करी, और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आज का मौसम बहुत अच्छा था, तो उसके साथ तंदूरी चिकन तो बहुत मजा देने वाला है। और अगर कल बारिश रही तो इंशाल्लाह सुबह ब्रेकफास्ट में मैं पकौड़े और चाय खाने वाली, ये तो मैं सोच के रखी हूँ। मॉल में से मैंने जब ऑर्डर की तो मैंने देखा वहां पे पनीर वगैरह, तभी मेरा दिल कर रहा था, सुबह बारिश होगी तो चाय एंड पकौड़ा। तो चलिए फिर, जैसे भी मैंने ब्लॉग शूट करी हूँ, और एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ के अपने दिल की बातें शेयर करना, तो इसीलिए मैं करते रहती हूँ। और इससे क्या होता है कि मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, और सबसे बड़ी बात होता है कि जो मेरा अकेलापन है ना वो दूर होता है, ये मेरी सबसे पॉइंट वाली बात है। बाकी और सब चीजें जो भी लोग सोचते हैं सोचने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की सोच से हम नहीं बनते, हमारी सोच और हमारी पहचान से हम बनते हैं, मैं ये बात मानती हूँ। तो बस खुश रखिए, खुश रहिए, बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, और हमेशा हर किसी को दुआओं में याद रखिए, और तंदुरुस्त रहिए चिकन तंदूरी खाके। अल्लाह हाफिज़।